अपने जिले की हर एक खबर से जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल हजारिया टाइम्स को। पूर्व सपा जिलाध्यक्ष आला प्रसाद निरंजन पर लगी जमीन पर कब्जा करने का आरोप। मामला सदर कोतवाली ललितपुर अंतर्गत रावतियाना निवासी जवाहरलाल द्वारा जिलाधिकारी को एक प्रार्थना पत्र देकर बताया कि उसकी जमीन नेशनल हाईवे पर है, जिस पर पूर्व सपा जिलाध्यक्ष अवैध कब्जा करने की नीयत से उसके पिलर उखाड़कर फेंक दिए हैं। पीड़ित जवाहर द्वारा बताया गया कि हमारे हिस्सेदारों द्वारा अपना हिस्सा पूर्व सपा जिलाध्यक्ष आला प्रसाद निरंजन को भेज चुके थे, बाकी का उसका बचा हुआ है। पूर्व सपा जिलाध्यक्ष द्वारा ट्रैक्टर से उसके पिलर तोड़ दिए गए हैं। आगे देखिए विस्तृत रिपोर्ट। ललितपुर से विनोद मिश्रा के साथ विकास सोनी की रिपोर्ट। क्या नाम है, क्या समस्या लेके आए? हमारा जवाहरलाल नाम है। हमारे शेख उन्होंने 3 एकड़ जमीन है शेख खातेदार की, तो हमारे शेख खातेदारों ने 1 एकड़ पहले आला को बेच दी थी 2-3 साल पहले, फिर 38 दशमलव की जो शेष रह गई थी उनने वो भी बेच दी एग्रीमेंट करके। अब अवैध कब्जा फिर भी कर रहे, हमारी 20 दशमलव जगह घट गई और फिर भी उधर मेरे पिलर तोड़ दिए, कम भी है और फिर भी बनाने नहीं दे रहे। कौन लोग हैं ये? ये पीयूष है और सौरभ है, प्रेम भाई हैं और आला इनके पूरे समर्थन में है और अतल बाबू जी है। आला प्रसाद कौन है? आला प्रसाद नरेंद्र।